तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि आप लोग YouTube चैनल का नाम तो चेंज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर कस्टम URL आप लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे अपने YouTube चैनल का कस्टम URL आप लोग चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव, आप देख रहे हैं टेक्निकल पल्लव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आप लोग कैसे YouTube चैनल का कस्टम URL आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल पर Google Chrome ओपन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं है तो ऊपर में देखिए वीडियो दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर टैप करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा youtube.com और gokaiken में आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसा का इंटरफेस चलाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर देखिए आपका चैनल का जो लोगो है दाएं तरफ ऊपर में शो हो रहा है, सिंपल से यहाँ पर टैप करके आप लोगों को यूर चैनल में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यूर चैनल में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा, एक है कस्टमर चैनल और दूसरा है मैनेज वीडियोज़। तो आप लोगों को कस्टमर चैनल में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप कस्टमर चैनल में क्लिक करेंगे दोस्तों ये डायरेक्ट आप लोगों को YT स्टूडियो में लेकर जाएगा, देखिए आ रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा, एक है लेवर, दूसरा है ब्रांडिंग और तीसरा है बेसिक इन्फो। आप लोगों को बेसिक इन्फो में क्लिक कर देना होगा और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। तो जैसे आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टम URL, तो यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन भी दे रखा है, आप लोगों को सीधा सा डिलीट में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप डिलीट में क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसा का इंटरफेस चलाएगा आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अबाउट मी यूट्यूब कस्टम URL, आप लोगों को यहाँ पर एक देखिए एरो का निशान आ गया है, आप लोगों को एरो में क्लिक करना होगा। जैसे आप एरो में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए हु कैन सी योर कस्टम URL, आप लोगों को रिमूव में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप रिमूव में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक है कैंसिल और दूसरा है रिमूव, फिर से आप लोगों को रिमूव में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप रिमूव में क्लिक करेंगे दोस्तों ये रिमूव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बैक आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिर से वो पहला वाला जो कस्टम URL है चैनल URL यहाँ पर आ गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं तो आप सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं सेट कर लेता हूँ, सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल, आप लोगों को यहाँ पर टैप कर देना होगा। तो जैसे आप टैप करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा कस्टम जो URL है यहाँ पर आ गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यू चैनल कैंसिल और पब्लिश, आप लोगों को सीधा सा पब्लिश में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप पब्लिश में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टम URL कन्फर्म यहाँ पर आ गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं कन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे दोस्तों ये फिर से आपके यहाँ पर कस्टम URL बनकर तैयार होकर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही अपने YouTube चैनल का कस्टम URL आप लोग चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूल के, क्योंकि मैं रोजाना ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।